सब्सक्राइब कीजिए फोन मैग्नेट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, वन प्लस ने उतार दिया अपना नया फ्लैगशिप स्मार्टफोन वन प्लस 6T को, तो चलिए देख लेते कैसा है फ़ोन और हम इसको कंपेयर करके देखेंगे सैमसंग A7 के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश, आप देख रहे हैं फोन मैग्नेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, जहाँ पर बात आ रही है डिस्प्ले की, तो वन प्लस 6T में मिलती है 6.41 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले और यहाँ पर आपको नॉच मिलता है हल्का सा, जिसमें कि फ्रंट कैमरा और कुछ सेंसर वगैरह फिट किए गए हैं। यहाँ पर वन प्लस 6 ने गोरिल्ला ग्लास 6 की परत चढ़ाई है। वहीं पर सैमसंग A7 में मिलती है दोस्तों 6 इंच की डिस्प्ले फुल HD प्लस रेजुलेशन में और यहाँ पर आपको 18:9 का रेशियो मिलता है, यानी स्क्रीन रेजुलेशन में दोनों फ़ोन बराबर है, लेकिन यहाँ पर साइज के हिसाब से वन प्लस 6T थोड़ा सा बड़ा है। 16+20 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा का सेटअप वन प्लस 6T में दिया गया है, जो कार्य करता है 1.7 अपर्चर के साथ और यहाँ पर आपको OIS और EIS दोनों सपोर्ट मिल जाते हैं। वहीं पर सेल्फी के लिए मिलेगा 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। सैमसंग A7 में पीछे की तरफ 3 रियर कैमरे दिए गए हैं, 24 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए यहाँ पर आपको मिलेगा 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। रैम और स्टोरेज के हिसाब से वन प्लस 6T में आपको 3 वेरियंट मिलते हैं, 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज, 8 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज और तीसरा वेरियंट है दोस्तों 8 GB रैम के साथ 256 GB की इंटरनल स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर आपको कोई मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट नहीं मिलता है। वहीं पर सैमसंग A7 आपको मिलते हैं 2 वेरियंट, 4 GB रैम के साथ 64 GB की स्टोरेज और दूसरा वेरियंट है 6 GB रैम के साथ 128 GB की स्टोरेज, लेकिन यहाँ पर आपको 512 GB तक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड लगाने का सपोर्ट मिल जाता है। 2.8 GHz का स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर 630 GPU के साथ दिया गया वन प्लस 6T में। वहीं पर सैमसंग A7 में मिलेगा एजोनेस का 7885 प्रोसेसर, यानी प्रोसेसर के मामले वन प्लस 6T काफ़ी बेहतर है। एंड्रॉयड पाई के साथ वन प्लस 6T लॉन्च किया गया है, जो काम करता है एजोनेस UI के साथ। वहीं पर सैमसंग A7 काफ़ी पुराना वर्जन मिलता है एंड्रॉयड का 8.0 ओरियो और यहाँ पर कोई अपडेट मिलने की उम्मीद भी नहीं है, यानी यहाँ पर भी वन प्लस 6T ज़्यादा बेहतर है। 3700 mAh की बैटरी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ वन प्लस 6T में मिल जाती है। वहीं पर सैमसंग A7 में मिलती है 3300 mAh की बैटरी, यानी यहाँ पर भी वन प्लस आ गए हैं। बात करें दोस्तों अगर सिक्योरिटी के हिसाब से, तो वन प्लस 6T में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक दोनों मिल जाते हैं। फिंगरप्रिंट सेंसर दोस्तों डिस्प्ले के अंदर है, यानी आपको वही प्रोटेक्टर यूज़ करना होगा जो वन प्लस में साथ आएगा, यानी आप थर्ड पार्टी यानी दुकान से जाकर कोई प्रोटेक्टर लगाएंगे उसके साथ ये फिंगरप्रिंट सेंसर काम करेगा या नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी कंपनी ने नहीं ली है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और बात करें अगर सैमसंग A7 की, तो यहाँ पर आपको साइड फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि पावर बटन का काम भी करता है और फेस अनलॉक का फीचर भी यहाँ पर आपको दिया गया है। 4G वाईफाई ब्लूटूथ टाइप सी और NFC फीचर आपको दोनों फ़ोन में मिल जाते हैं। कलर वेरिएंट की बात करें तो वन प्लस 6T मिलता है मिरर ब्लैक और मिडनाइट ब्लैक कलर के साथ, वहीं पर सैमसंग A7 मिलता है दोस्तों ब्लू ब्लैक और गोल्ड कलर के साथ। प्राइसिंग की बात करें तो वन प्लस 6T की प्राइस है 6 GB रैम और 128 GB वेरियंट की 40,300, 8 GB रैम के साथ 128 GB स्टोरेज वाले वेरियंट प्राइस है 42,500 और 8 GB रैम के साथ 256 GB की स्टोरेज वेरियंट की प्राइस है 46,200। फिलहाल ये प्राइस अमेरिका की है क्योंकि ये वहीं पर लॉन्च हुआ है और आज जब भी इंडिया में लॉन्च होगा तब इसकी प्राइस का अंदाजा लग जाएगा। वैसे इसकी प्राइस इसी के आसपास रहने की उम्मीद है और इंडिया में ये फ़ोन अमेजन पर मिलेगा, लेकिन एक खामी की बात है जो कि वन प्लस 6T में दोस्तों हेडफोन जैक नहीं मिलेगा और सैमसंग A7 में ये हेडफोन जैक मिलता है। और सैमसंग A7 का 4 GB रैम और 64 GB स्टोरेज वेरियंट की प्राइस है 24,000 रुपये और 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज वेरियंट की प्राइस है 29,000 रुपये और ये फ़ोन आपको दुकानों पर और फ्लिपकार्ट दोनों पर मिल जाता है। अब बात आती है इन दोनों फ़ोन में से कौन सा फ़ोन खरीदना चाहिए, तो अपनी अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से दोनों फ़ोन बेहतर है, आप कोई सा भी फ़ोन खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक्सपेंडेबल स्टोरेज चाहिए और तो यहाँ पर आपके लिए सैमसंग A7 ज़्यादा बेहतर रहेगा और प्राइस के मामले में भी ये थोड़ा सा सस्ता है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो को लेकर आपके मन में कोई भी सवाल या सुझाव, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसे ही वीडियो।